Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. Hi guys, welcome back to another new video. तो आज हम जाने वाले हैं जो I'm super excited for that. और it's like मनाली ना ज़्यादा ठंडा है, नाइट को तो पूछो मत, बट दोपहर को थोड़ी गर्मी होती है, बट नाइट को सीरियसली हमने दो दो ब्लैंकेट लेके सोए हैं यहाँ पर. सो मैं भी मतलब इस बार 6-6 घंटे के लिए बहुत अच्छी नींद हुई एंड आई एम सो एक्साइटेड और भी बहुत कुछ देखने के लिए. सो आज का हम वहाँ पर जाने वाले हैं. मैं दिखाती हूँ आपको कि हम वहाँ क्या करने वाले हैं और आप क्या क्या देख सकते हैं, वहाँ का टाइमिंग क्या है. तो लेट्स गो. सो पिछले 1 घंटे से मैं तैयार होकर बैठी हूँ, सबका वेट कर रही हूँ. सबसे पहले मुझे खुद कोई रेडी नहीं, सिर्फ हमारा मुर्गन रेडी है. दिखाओ सबको साइज, साउथ इंडियन ड्रेस दिखाओ. आप हमारा ऐसे करते क्या, मेरा तो स्टाइल मारा. इट्स बीन 2 आवर, मैं सबका वेट कर रही हूँ. सभी ने ऐसे कपड़े क्यों पहने, पता नहीं कि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है. स्टिल हेलो अन्ना, हाँ कुमार ये तो अभी हम पहुंचे हैं दत्त धाम को, पूजा हुई और कुछ और भी है, तो वो कंप्लीट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं. कैमरा सेट कर रही थी. तो अभी आए हैं दत्त धाम. तो यहाँ पर क्या होता है पता नहीं है, बट ये भी नरसिंहवाड़ी का एक पार्ट है. तो हम देखते हैं यहाँ क्या होता है. तो यहाँ पर पूजा हो रही है और ये होने के बाद हम जाएंगे इस मेन मंदिर को देखने के लिए. तो बेसिकली यहाँ पर पूजा चल रही है और वो शायद 2 घंटे भी चले, बट मैं बोल चुकी हूँ देखकर. तो हम यहाँ पर एक राउंड लगाने वाले हैं कि यहाँ पर देख क्या देखने के लिए. सो लेट्स गो विद मी. आज ना बहुत अच्छा दिन है शायद मेरे लिए, मतलब इसका रीजन आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि मैं बता ही दूंगी, क्योंकि मैं कभी कुछ खुशी की बात हो तो छुपाती नहीं. तो बाद में बता दूँ, बट पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर है क्या. पीछे एक शादी हो रही है जिसकी वजह से ना मुझे बाहर तक तो याद करनी पड़ रही है. हाँ, वो शादी हो रही है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, रश है. बट हम देखेंगे मंदिर जाकर कैसा है. यहाँ पर शॉपिंग का सामान बहुत कुछ दिख रहा है मुझे, एंड सब कुछ फूड फूड फूड. हॉर्स राइड, तो बेसिकली यहाँ पर हॉर्स राइड भी अवेलेबल है. अब हम अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर चप्पल काटना मस्त है और फिर भी हम आगे जा सके. यहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है और सब लोग ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है. लुक एट द व्यू. अब हम जाने वाले हैं नीचे और यहाँ पर लोग लाइन में लगे हैं मंदिर को जाने के लिए, बट हम पहले यहाँ पर जाएंगे. मॉर्निंग का जो मनाने वाला थीम था वो खत्म हो चुका है कोल्हापुर में, और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है, सुपर हॉट दिखाई भी नहीं मनाने का. वहाँ से हम आए थे.
मैं सोलो ट्रैवलर बन चुकी हूँ आज, मैं अकेले यहाँ पर आई हूँ देखने के लिए मंदिर एग्जैक्टली। तो जो मनाली वाला सीन था कोल्हापुर का मॉर्निंग में, वो खत्म हो चुका है। और यहाँ पे इतनी गर्मी है कि कांट इमेजिन। मतलब सुबह जब मैं आ रही थी ना, तो मैंने जैकेट पहन लिया था। एंड यहाँ पर आप इतनी गर्मी हो रही है ना, यहाँ पर कृष्णा रिवर है फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। बट यहाँ का मतलब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो, यहाँ पर पारायण होता है। और यहाँ पर और एक मंदिर है जिसको हम देखने वाले हैं, उसके बाद नरसिंह मंदिर को हम जाने वाले हैं। सो लेट्स गो, पहले मैं सबको मिलती हूँ क्योंकि सोलो ट्रैवलर बन चुकी हूँ, अकेले यहाँ पर घूमने आई हूँ। तो मेरा दर्शन तो हो चुका है। और बेसिकली आज गुरुवार है, तो दत्त मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, लगभग आधा एक घंटा लाइन में कट जाता है। लिटरली मैं अभी मेरी जान छुड़ा कर वापस आई हूँ। वहाँ पर यू नो बहुत सारे फंक्शन चल रहे हैं और शादी की तरफ, तो चेक तक ही शादी नहीं बट उससे दूसरे रिलीजन में मुझे कहा जाता है, वो चल रहा है वहाँ पर, दैट्स व्हाई। बट अभी हम पहुँच चुके हैं हमारे पॉइंट पे, जहाँ पर मैं सबको लॉक कर दिया इन्होंने। तो सीन ये है कि इन लोगों ने डोर ऑफ किया है और मैं अंदर नहीं जा रही। तो यहाँ पर और एक टेम्पल है जिसका स्वामी समर्थ का टेम्पल है, हाँ, तो हम वहाँ पर भी जाने वाले हैं। बट स्टिल कोई नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो आई थिंक मुझे शायद जाना चाहिए वहाँ पर, या फिर मैं यहाँ पर स्वीट ऑफ। बट या आपको कैसा लगा दत्त मंदिर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड जितना पॉसिबल हो सका मैंने शूट किया, क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था या फिर फोटोज़ भी अलाउड नहीं है। बट मोस्टली कुछ लोग थे तो अलाउड कर रहे थे मुझे, तो दरअसल मैंने बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बट किया है कि, तो आई होप यू लाइक दैट। एंड अभी हम स्वामी समर्थ के टेम्पल जाएंगे। बी केयरफुल, आपके साथ पानी रोको बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है। ऑफकोर्स मॉर्निंग को ही मनाली का सीन आ जाता है एंड नाइट को बहुत ही ज़्यादा ठंड, मतलब आपको स्वेटर्स पहनने पड़ेंगे इतनी ज़्यादा ठंड। बट जब दोपहर स्टार्ट होती है, कांट इमेजिन, अभी भी इतनी गर्मी हो रही है, देख ही सकते हो तुम लोग, तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। दैट्स इट। मम्मी बेटा बेटा, अब हम बोटिंग करने जा रहे हैं। ओहो, 10 से 8 मिनट तक ये लोग प्रयोग घुमाते हैं और देखिए कहाँ ले जाते हैं। यहाँ पर ये मेन मंदिर जिसका हम एक बाहर से राउंड लगा रहे हैं। सी दैट्स माय मॉम, जो बोटिंग करने के बाद अचानक अंदर से आ गई लाइन में। हमने दर्शन किया है, दर्शन में यहाँ पर बैठी अच्छे से आराम कर रही है। यहाँ पर महाप्रसाद मिलता है, पर यहाँ पर इतनी बड़ी लाइन है, महाप्रसाद है ये। देखिए हमारी फैमिली पूरी लाइन पे। सो नरसिंहवाड़ी में हमारा ये लास्ट वाला मंदिर है, फर्स्ट और लास्ट यही है। तो अभी हम यहाँ पर प्रसाद लेंगे और प्रसाद के बाद घर जाएंगे। थैंक यू। बाद में महाप्रसाद और इसे सत्यवाणी भी मिलता है। एंड ये हमारा पूरा परिवार इसे खा रहा है। सो प्रसाद खाकर हो चुका है, इट वॉज टू गुड टू गुड। इतना अच्छा प्रसाद नहीं मिला था कभी भी कहीं पर, मतलब मिला होगा। नरसिंह
सुबह अच्छी बाड़ी। हाँ तो यहाँ पर प्रसाद भी बहुत अच्छा होगा, क्लीन भी है सब कुछ। तो मेरे तरफ से थम्स अप है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डेफिनेटली यहाँ पर एक बार तो विजिट करना बनता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। आई होप यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।